चुटकी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं छत पे हूँ और मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी, क्योंकि आप लोग को पता ही है मैंने टायरा टीका अपने ले लिया है, जो कि मैंने कल एक ब्लॉग में आप लोग को दिखाया भी है और आप लोगों ने अपना ढेर सारा प्यार दिया है उस पर। तो क्या हुआ ना, हम लोग धूप में गए थे, ठीक है, और उधर से मतलब शॉपिंग करके आ रहे थे लोग, हमारा जो गला था मतलब धूप की वजह से, गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा सूख गया था। मैंने 10 वाला कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता है, 10 वाला बर्फ वाला, वही मैंने लेके धूप से तुरंत आई और लेके मैंने पी लिया। दीदी भी ने भी पी लिया और मम्मी ने भी, मेरा मतलब उनको भी प्यास लगी तो उन्होंने भी पी लिया, और हम लोग का जो आवाज़ है बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। मतलब मैं ठीक से बोल ही नहीं पा रही हूँ, बार बार फंस जा रहा है, जैसे मैं घर से जब पहली बार यहाँ पे आई थी वैसे ही हो गया है। मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। और मेरा अच्छा लग रहा है, रहने दो, अच्छा लग रहा है, ओके रहने दो। हाँ गर्मी की वजह से ना मैं बाल बात जैसे मतलब यहाँ पे दो चोटी बना के ही रहती हूँ। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या बताऊँ, गर्मी की वजह से ना मतलब मैं ठीक से रील भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। और लगातार कुछ दिन से इतना बारिश, इतना आंधी तूफान में मैंने कितना मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी सॉन्ग सेलेक्ट किया था मैंने, लेकिन वो भी मेरा छूट गया है। तो फिलहाल मैं जो भी सॉन्ग है मुझे मिल रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ। अपना छोटका भाईवा को देख लो क्या कर रहा है, और उसको देखिए, निकम्मा इंसान को, मतलब इस समय इंसान, हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होगा, हर इंसान कुछ ना कुछ। मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ, दीदी कैमरा कर रही है, ठीक है, और उसको देखिए, वो मतलब बिस्तर लगा लिया है, अब अभी से सोएगा और देख के ऊपर अब बैठ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, मतलब इसका क्या किया जाए, दिन रात झगड़ा करता रहता है हमसे। हाय बोलो फ्रेंड्स, मतलब दिन रात सोता रहता है, सुबह तक सोए रहेगा यहाँ पे। जब सूट के लिए हम लोग आएंगे तो उसको बोलेंगे आए उठ के जो नीचे जो उठ के सूते तो एक भी जाना लेके नीचे चला जाएगा आराम से, फिर नीचे आराम से सोएगा, फिर नीचे हम लोग जाएंगे उठा के बोलेंगे कि मार्केट जाएगा भाई सामान मंगाऊंगा, तब एने ओने ही जाए, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है इससे तो और ज्यादा की देख ले कितना बड़ा ही होता है। तारीफ हो रहा है, सब तारीफ हो रहा है, ताली हो जाए इसके लिए। वो भी बजाएगा, बजा बाबू, अपने पे बजा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मतलब अभी छत पे हैं, बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे घर में, वैसा का वैसा है ना, पंखा है ना, ठीक से खिड़की है, मतलब फिर भी पंखा तो उल्टा ही चलता है का छुटकी, पंखा तो उल्टा ही चलता है। पंखा की मैं बात करूँ मतलब ये उल्टा चलता है, मतलब जिन्होंने ये पंखा सेट किया उनका कहना है कि ये उल्टा चल रहा है, तो हवा ऊपर जा रहा है, छत के ऊपर आ रहा होगा हवा। इतना ज्यादा परेशान हूँ मैं क्या बताऊँ, मेरा बाल भी गिर रहा है गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा, और ना ही ठीक से इसमें मतलब खिड़की है, एक तो इसमें पहले से मतलब मैंने सुना कि खिड़की था ही नहीं, ऐसे ही बनाया गया है खिड़की छोटा सा, मतलब खिड़की नहीं रहता तो इंसान कैसे रह पाता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान। खिड़की है भी तो एकदम छोटा सा है और थोड़ा थोड़ा हवा आता है, ऐसा लगता है कि नाप के कोई भेज रहा है, एक फुआ दो फुआ तीन, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जैसे भी था मेरे घर पे पंखा था, और सबसे खास मेरी क्यूट 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 गुड़िया फैमिली, मैं क्या बताऊँ, मेरी आप लोगों को पता है मेरी गुंडू बाबू है, मतलब उसका एक और बच्चा आया है इस दुनिया में, जिसका नाम मैं हम लोगों ने डोलू रखा है, बस बिना देखे बिना, मतलब हम लोगों ने देखा भी नहीं है अब तक। मम्मी बोल रही थी कि एकदम मोटा तगड़ा है, इतना बड़ा सर उसका, तो उस हिसाब से उसका नाम डोलू हुआ, तो हम लोगों ने डोलू रख दिया उसका नाम, मतलब इतना ज़्यादा। और मेरा गोरा बाबू, उसके साथ मैंने एक भी वीडियो भी नहीं बनाया, इतना अच्छा डांस करता है वो, आप लोग मतलब यकीन नहीं करेंगे, मेरी जो गोटिया फैमिली है पूरी की पूरी मतलब डांसर है एकदम, ना दी किसी को तुम्हारे साथ ना रह रह के वो भी सब डांस सीख लिया है, मतलब अगर मैं कोई स्टेप करूँगी ना ऐसे, कोई कुछ भी करूँगी ऐसे ध्यान से देखता है, मतलब कोई जानवर क्यों देखेगा क्या, और जानवर के पास मतलब लोग बोलते हैं कि जानवर के पास साउंड मतलब साउंड तेज नहीं किया जाता है, मैं जितना तेज अपना साउंड बजा दूँ ना, साउंड बॉक्स भी अगर बजा दूँ, मेरे पास एक छोटा सा साउंड जो कि अभी खराब हो गया, छोटा सा साउंड बॉक्स है था घर पे, मैं यहाँ पे भी लेके आई हूँ तो खराब हो गया, बनवाना है उसको अभी, तो मतलब उसको भी मैं बजा दूंगी ना तो ऐसे ऐसे करके कूदता है, समझ, इतना अच्छा लगता है उन लोग के साथ, मतलब एक कदम चलो तो एक गुटिया फैमिली, दूसरे कदम चलो तो एक गुटिया फैमिली, लेकिन यहाँ पे सुनसान लग रहा है एकदम, अकेले अकेले बोर हो जा रहे हैं हम लोग,
बस सूट निकल रहा है और जो भी स्टडी है वो हो रहा है अभी फिलहाल। तो बस यही लाइफ है मेरी, होता है तो परेशान। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इधर का सड़क, ये बलवन सागर का सड़क है, गांव मुझे बता रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे अपना गांव शहर सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ा। अब मुझे खुशी भी है कि मतलब मैंने शेयर कर दिया, आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ की हूँ क्या है। और मतलब एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी थी आप लोगों से, मैं बोलूँगी फिलहाल आप लोग इधर का जो भी नज़ारा है जो भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उन लोगों को देखिए भाई सबको, आप लोगों को पता है मतलब एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान था, बहुत बहुत तेज, ठीक है। हम लोग शूट नहीं किए उस दिन क्योंकि बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, बारिश भी होने लगा अचानक से, तो हम लोग नीचे चले गए। खिड़की से मैं क्या देख रही हूँ, पूरा का पूरा जानवर सब अपने अपने घर चला गया, हर इंसान, यहाँ तक कि जो भैंस वाला था सब वो भी अपने घर चला गया। आज जो भैंस सब थी चार पांच गो उस चल रही थी ऐसे ऐसे कर काम तो इतना तेज आ जाते माने कौन चलता। अभी भी देखिए सब चल रही है, मतलब भैंस के आगे बीन बजाओ और पता नहीं ऐसा कुछ है, तो वही याद आ गया हमको कि बस यही सही है। ये देखिए एलोवेरा सूख रहा है, पौधा है, हाँ सूख गया, पता नहीं क्यों सूख जा रहा है। पानी डालो उसमें सुबह सुबह, पानी डालने से हो जाएगा, कल से डालूंगी इसमें। मेरे घर पे भी है मतलब एकदम हरा भरा है, यहाँ पे सूख गया है आप लोग देख सकते हैं। मैं रख रही हूँ, अच्छे से रखना। मटका को मतलब क्या किया है दीदी मम्मी ने, मैं तो उस समय सोई थी, मटके के ऊपर के जो ऊपर वाला हिस्सा को फोड़ के निकाल दिया है सब, और नीचे जो है पेनी वाला उसमें तो एलोवेरा लगाया था। हम देखे ना जब आज छत्ते तो हमको बहुत तेज हती आया कि फोड़ फाड़ के सब एलोवेरा लगाई है। अब देख सकते हैं कौवा के लिए पक्षी के लिए मतलब रोटी रखा गया, पानी भी रखा गया था, पानी गर्म हो गया था तो नीचे हम लोग लेके चले गए। मटका खरीदना है, बर्तन में रखती हूँ फ्रेंड्स, मटका खरीदना है, समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाऊँ। एक और मटका है घर पे मंगा लेना, उसी को मंगा लेंगे, उसी पे रखेंगे क्योंकि पानी बर्तन भी गर्म हो जा रहा है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि प्लीज पानी मतलब किसी किसी के छत पे ना व्यवस्था बनाया गया है, बहुत ज्यादा खुशी होती है देख के, प्लीज आप लोग ऐसा ही कीजिए। और जिससे घर पे व्यवस्था नहीं है मतलब उन लोगों के लिए, तो आप लोग घर में मटका में पानी रखिए, उसमें ठंडा पानी रहता है। मैं बर्तन में रख रही हूँ, देख रही हूँ कि एकदम गर्म हो जा रहा है, तो रखे फायदा नहीं, कोई पिएगा भी नहीं, बार बार बदलना पड़ता है उसको, तो मटका में आराम से रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से आप लोग सुनिएगा फ्रेंड्स, मतलब अभी आजकल कमेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पे भी, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा, और लड़ाई भी हो रही है वहाँ पे मैं देख रही हूँ, और यूट्यूब पे भी एक आध मतलब कमेंट आ रहा है कि निकी आप खुद को मॉडल बना लीजिए और मतलब बाल कटवा लीजिए। बट पहली बात तो मतलब मुझे लंबा बाल ही पसंद है, मेरी दी को मेरी मम्मी को उनका कहना है कि तुम बाल मत कटवाना ना दी, हाँ। लंबा बाल ही अच्छा लगता है तुम्हें, अच्छा लगता है। और मम्मी तो मतलब मार मार के मेरा गाल एकदम फुला देंगे अगर बाल, जब इतना बाल अच्छा बाल है तो क्यों कटवाओगी। मेरी पूरी फैमिली का डिमांड है कि बाल मत कटवाना, बाल ऐसे ही कैसे लगा। फ्रेंड्स मैंने बहुत मुश्किल से इसको बढ़ाया, ऐसे नहीं बढ़ गया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मैंने बढ़ाया, बहुत मुश्किल है बढ़ाना। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही बढ़ गया तो ऐसा नहीं है। और जब मेरी मम्मी का ऐसा हेयर है तो मेरा भी है ऐसा ही हेयर, बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसी हेयर है ना दी, मेरी मम्मी का तो आप लोग देखोगे, मेरा तो देखिए ये हाल है आप लोगों का, मेरी मम्मी का देखोगे तो होश गंवा दोगे, यहाँ तक है, घुटना तक है, ऊपर से उन्होंने काट भी दिया है, पता नहीं कब का काट, आपको पता है बाल काट दी है मम्मी थोड़ा थोड़ा, मेरा छोटा छोटा। और दीदी को छोटा बाल अच्छा लगता है क्योंकि स्टडी और बहुत ज़्यादा इनको काम होता है, तो और मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा काम हो ना तो बाल यहाँ तक ही, और मैं सच बताऊँ तो दीदी में छोटा बाल ही अच्छा लगता है। थैंक यू, सच्ची में मैं ऐसे नहीं बोली, मैं भी खुद बोलती हूँ कि दीदी आप छोटा बाल ही रखिए, छोटा बाल अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट, और उनका एकदम जैसे हिप्पी हिप्पी टाइप का बाल नहीं रहता है, टेढ़ा टेढ़ा टाइप का वैसा बाल है, तो अच्छा लगता है, भूरा भूरा बाल है और उनके फेस पे ज़्यादा मैच करता है। तो फ्रेंड्स मैं बाल कटवाऊंगी नहीं, सॉरी। और जो लोग मुझे मेरे बाल के साथ पसंद करते हैं दिल से थैंक यू सो मच, लेकिन फ्रेंड्स मैं अपना बाल नहीं कटवा सकती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का पसंद है ये, और मैं चाह के भी इसको छोटा नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगेगा,
उनका कहना है कि तुम ऐसे ही लॉन्ग हेयर हमेशा रखना, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मतलब मैं बाल रखूँ, मेरी दीदी मेरी मम्मी का कहना है, ठीक है, तो मैं ऐसा ही रखूँगी। अब रही बात, कुछ कमेंट आ रहा है कि निकी कुछ मतलब मेकअप कीजिए आप एकदम चूड़ी उड़ी, चूड़ी तो ठीक है, अब खूब ज़्यादा मेकअप कीजिए जैसे बाकी लड़कियाँ करती है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेकअप हर लड़की का सपना होता है, दुनिया में शायद ही कोई लड़की होगी जिसको मेकअप शायद ना पसंद हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की ऐसी मिलेगी भी, क्योंकि सारी लड़कियां मतलब जितनी भी लड़कियां हैं इस दुनिया में सबको मेकअप पसंद है और मुझे भी पसंद है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ तो मुझे भी मेकअप करना पसंद है, लेकिन मेरे पास जितना है मैं उतना में ही कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा लगूँ, अच्छा कर पाऊँ। मेरा भी सपना है कि मेरे पास भी बहुत सारा मेकअप का सामान हो, मैं अच्छे से तैयार होके एकदम रेडी होके वीडियो बनाऊँ, फिलहाल मेरे पास उतना नहीं है, जितना भी है मैं बना रही हूँ। अब मेकअप के लिए गलत काम या गलत कुछ भी मैं करना नहीं चाहती, जो भी है जितना भी भगवान ने मुझे दिया है मैं उसी में खुश हूँ और लगातार मेहनत कर रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ और मेरी जो मेहनत है जारी है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए, प्लीज़ मुझे ऐसे ही मतलब सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे पास भी सब कुछ हो सके। अब रही बात कपड़े की, कुछ कमेंट आ रहा है कपड़े की, देखिए फ्रेंड्स मैं मतलब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है लगातार कमेंट आ रहा है ये, आप लोगों को मेरी जो स्थिति है घर की वह पता है, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए, मैं ऐसे ही थोड़ी बना रही हूँ, मेरे पास अगर सब कुछ होता, सब कुछ भरा होता तो मैं भी अच्छे से रेडी होके, हर किसी का सपना होता है आप लोगों को पता है, लाइफ में पहली बार मैंने अपने लिए टायरा टीका और एक ब्लैक कलर का साड़ी खरीदा है ना दी, हाँ सूट के लिए, आप लोग यकीन नहीं करोगे कुछ भी नहीं खरीदा है मैंने। मैं जब भी जाती हूँ ना दी बोलती है कि ये वाला अच्छा है, काश पैसा रहते तो यकीन देती, ये कितना अच्छा भाव सूट खाती, हमारा भी सपना है, मेरी फैमिली का भी सपना है कि ये पहने वो पहन के बनाए, आज इसको ऐसे कपड़ा देते हैं वैसा खरीदते थे, लेकिन नहीं है, मैं अपनी फैमिली पे दबाव नहीं बनाना चाहती कि मुझे कहीं से भी खरीद के लाओ, कहीं से भी, तो मतलब जो भी है मेरे पास मैं लगातार पहन के मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है फ्रेंड्स कि आप पहनने का जो तरीका है उसको चेंज कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा तरीका अपनाना है, क्योंकि जो जैसा भी मुझे पता है मैं दिल से मेहनत करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और कपड़े और मेकअप को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बता दूँ कि मेरे पास जितना भी है मैं उतना में ही कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरी मेहनत को देखिए, ना कि मेरा कपड़ा और ना ही मेकअप। मेरे ख्याल से मेकअप कपड़ा ज़रूरी नहीं होता है हर इंसान की ज़िंदगी में, पहले मेहनत देखी जाती है, मेहनत देखनी चाहिए, अगर सबके पास सब कुछ भरा होता, सबके पास भगवान ने पहले से ही दिया होता तो सारे लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कि सड़क पे घूम रहे पता नहीं कैसी कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबको मेकअप पसंद है फ्रेंड्स, सबको मेकअप पसंद है, सब चाहते हैं कि मेरे पास घर हो, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं, जितना रहेगा उतना में ही खुश रहना पड़ता है ना, दूसरों को देख कर क्या करें, आप खुद को खुद का किंडी थोड़ी बेच देंगे, बेच के आप पहन लेंगे कपड़ा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को समझिए। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली पढ़ती है कमेंट, मेरी दीदी मेरी मम्मी, मम्मी को मतलब पढ़ने नहीं आता लेकिन मेरी दीदी पढ़ती है, बाबू पढ़ता है, मुझे बुरा लगता है जब ये लोग पढ़ते हैं बोलते हैं कि काश तोरा पास रही, काश खरीद देती सन, कितना अच्छा तीहूँ पहनते, तो मुझे बुरा लगता है कि यार मेरी मेहनत को क्यों नहीं देखी जा रही है, मेरी मेहनत को देखो ना यार, प्लीज़ मुझे समझो, मेरी मेहनत को समझो, मतलब मेरा पैर जल रहा है फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ और लगातार मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत के लिए मैंने अपना घर भी छोड़ दिया सिर्फ मेहनत के लिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जितना भी है फ्रेंड्स मैं उतना में ही पूरे दिल से पूरी ईमानदारी से मेहनत करूँगी और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को अच्छा लगे, पूरा एकदम सही तरीके से मैं बनाऊँ, कुछ गलत ना हो उसमें, कुछ गलत अफवाह ना हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसा कमेंट कि मेकअप कीजिए ये कीजिए, मेरे पास जितना भी एफर्ट्स मैं पूरा कोशिश करती हूँ, आप लोग को पता है जितना भी अगर कोई बोल देता है कि नहीं कि आज मेकअप कीजिए, मेरे पास एक लिपस्टिक है रेड कलर का, मैं उसके सुबह लिपस्टिक लगा के बनाती हूँ ना दे, ताकि उसका मतलब जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप थोड़ा सा मेकअप कीजिए उनका भी बात रह जाए, उनको बुरा ना लगे। फ्रेंड्स मेरे पास जितना भी है मैं कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रख सकूँ, लेकिन चाहे कितना भी कोशिश कर ले इंसान सबको खुश नहीं रख सकता है, कुछ ना कुछ तो दुखी हो ही जाएंगे उसमें, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सबको खुश रखोगे कि तो तुम्हें उदास हो जाओगे, बर्बाद हो जाएगा, मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगी ऐसा लग रहा है, कोई इंसान सबको खुश नहीं रख सकता है,
सबकी पसंद सबकी नापसंद अलग अलग है, तो लेकिन फ्रेंड्स जितना भी है मेरे पास मैं दिल से मेहनत करती हूँ, दिल से एकदम कोशिश रहता है मेरा कि मैं जो भी बना रही हूँ अच्छा बने, आप लोगों को अच्छा लगे, और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार भी देते हो, मुझे ढेर सारा सपोर्ट भी करते हो। 5 लाख कंप्लीट होने वाला है, दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जो लोग मुझे समझते हैं, जो लोग मेरी मेहनत को समझते हैं। और प्लीज़ किसी मतलब किसी की भी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए कि ऐसा है, ऐसा दिखा रही है, वैसी है, ऐसा बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। जो है जैसा है मेरी लाइफ में पूरा एकदम ओपन है, मैंने अपना घर तक शेयर कर दिया है, सब कुछ शेयर कर दिया, सब कुछ आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आप लोग चाहे तो आके पता भी कर सकते हो इधर कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, कितना गरीब हूँ, क्या है, मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या पीछे है, क्या आगे बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को मतलब ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन फिर जो भी है मेरी लाइफ ओपनिंग है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेकअप कपड़ा को लेकर कमेंट ना करें, मुझे बुरा लगता है यार कि मैं सोचती हूँ पहले कमेंट आता था कि नहीं कि बाहर बनाओ, मैंने कोशिश किया रिस्क लेके घर से बाहर बनाया क्योंकि घर पे वीडियो ठीक से नहीं बन पाती थी, उसके बाद कमेंट आया नहीं कि छत पे बनाओ। मेरे पास छत रहते हुए आप लोग को पता है मेरे ना 2 छत है, मेरा घर है यार, घर है सच में ना दी, हम लोग का अच्छा घर है, घर होते हुए भी बेघर, घर होते हुए भी इंसान मतलब होता है ना कि बेघर वैसा है, 2 छत है, लेकिन मैं चाह के भी कितना भी कोशिश कर लूं पर उस पर डांस वीडियो तो छोड़िए, मैं एक ठीक से फोटो तक क्लिक ना कर पाऊँ, जिस दिन फोटो खींच लूँगी ना मेरी आखिरी फोटो हो जाएगी, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझसे मेरी फैमिली से, इसीलिए मैं मतलब मुझ पर कुछ आ जाए ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली को कोई आँख दिखाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली जब आप लोगों के साथ बुरा नहीं कर रही है तो आप लोगों का भी कोई हक नहीं है कि मेरी फैमिली के साथ आप लोग बुरा करो, इसलिए मैं छत पे मतलब मैंने छोड़ दिया कि मैं छत पे नहीं बनाऊंगी, घर पे बनाऊंगी, जो भी नसीब में लिखा होगा, जो भी भगवान ने लिखा होगा वो मिलेगा, वो होगा, ठीक है। तो बस इतना ही, गलत कमेंट मत कीजिए, कपड़ा मेकअप जो भी है लेकर उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी उस काबिल बन सकूँ, और जो भी आप लोग का डिमांड है मतलब मेकअप कपड़ा का उसको मैं पूरा कर सकूँ, ठीक है। फिलहाल जितना है उतना में ही एडजस्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए दिल से थैंक यू ढेर सारा थैंक यू सो मच। और मेरा 5 लाख फैमिली कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से 5 लाख कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद 1M मतलब ये तो लग रहा है बहुत है, अभी दूर है, फिलहाल 5 लाख कंप्लीट कर दीजिए, और इतना सपोर्ट इतना प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिए, इस ब्लॉग वीडियो को ढेर सारा वायरल कीजिए, मतलब रिस्पांस तो ऐसा लग रहा है कि रुक ही गया है, लेकिन फिर भी दिल से थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और इतना प्यार के लिए, लव यू।